Me, Priyanka, is describing the topic, the female reproductive system. We had discussed previously about the female external reproductive organs and internal reproductive organs. We had discussed about vagina and uterus in our previous videos. Today we are discussing about fallopian tubes, which are including in internal reproductive organs of female. Uterine tubes को हम fallopian tubes भी बोल सकते हैं या फिर इनको हम oviducts भी बोल सकते हैं. अगर हम counting में देखते हैं तो हमारे पास यानी कि female body के अंदर 2 fallopian tubes होती हैं, यानी कि 1 pair of fallopian tubes present होती है जो हमारे reproductive system के अंदर include की जाती है. अगर हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से विजुअलाइज होती हैं. यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है और ओवरी से जब भी ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन होती है, तो उस टाइम पे यहाँ से ये इसको पैसेज वे प्रोवाइड करती है, यानी कि ओवम को रिलीज करवाने में हेल्प करती है, उसको पैसेज वे प्रोवाइड करती हैं. यूट्रेन ट्यूब्स क्या होते हैं? यूट्रेन ट्यूब्स को हम फालोपियन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं और इनको हम ओविडक्ट्स भी बोल सकते हैं. ये हमारे यूट्रस से अटैच रहती है अपर आउटर एंगल में. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या है, यूट्रस है, यूट्रस है, और यूट्रस का जो अपर, यहाँ पे क्या अपर और आउटर, ये क्या ऊपर वाला हिस्सा है और आउटर यानी कि बाहर की साइड वाला, यहाँ पे इस तरह का ये एंगल बनाती है, यानी कि यूट्रस से अटैच होती है और अपर एंड आउटर ऊपर वाले हिस्से में और बाहर की साइड ये अटैच वहाँ पर रहती है. दीज आर अबाउट 4 centimeter लॉन्ग. इनकी लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्स 4 centimeter. और ये लाई कहाँ पे करती हैं? वैसे तो पेल्विक कैविटी के अंदर ये लाई करती हैं. दे लाई इन अपर फ्री मार्जिन ऑफ द बोर्ड लिगामेंट्स. क्या होते हैं यहाँ पे जो यूट्रस होता है, क्या होता है जो यूट्रस होते हैं यहाँ पे, क्या होता है बोर्ड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोर्ड लिगामेंट्स के मार्जिन पे ये प्रेजेंट होती है, अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स पे ये प्रेजेंट होती हैं. दीज एक्सटेंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. ये कहाँ पे लाई करते हैं? एक्सटेंड, देखो यूट्रस होता है, यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में, एक्सटेंड अपवर्ड यानी कि ऊपर वाले हिस्से में, अपवर्ड एंड आउटवर्ड और बाहर की साइड. देखो ऊपर वाले हिस्से में भी है और क्या वो बाहर की साइड आउटवर्ड भी हैं. ठीक है, द साइड्स ऑफ पेल्विक एंड देन कर्व डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. पहले तो ये क्या अपवर्ड और आउटवर्ड जाती है, यानी कि ऊपर वाले साइड में है और वो क्या है बाहर के साइड जाती है, लेकिन बाद में क्या होती है पेल्विक कैविटी के अंदर ये बाद में ये थोड़ा सा घुमाओ वहाँ पे कर लेती है, उसके बाद क्या करती है डाउनवर्ड आती है एंड और क्या थोड़ा सा वहाँ पे टर्न लेके थोड़ी बैकवर्ड आती है. यहाँ पे फिर क्या ओवरी से फिम्ब्रियाई के थ्रू वहाँ पे अटैच रहती हैं. देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो फालोपियन ट्यूब्स होती है वो यूट्रस से अटैच रहती हैं अपवर्ड, यहाँ पे क्या ऊपर वाले हिस्से में, वो फॉरवर्ड होती है यानी कि आगे की साइड होती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी एक कर्व करते हैं यानी कि उसके बाद फिर डाउनवर्ड आती है यानी कि नीचे की साइड आती है, और उसके बाद फिर से बैकवर्ड यानी कि पीछे की साइड ये क्रो करती हैं. ठीक है, अपवर्ड फॉरवर्ड एंड देन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, और कहाँ पे सिचुएटेड होती है? पेल्विक कैविटी के अंदर. उसके बाद है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यूट्रेन ट्यूब किससे बनी हुई होती है? यूट्रेन ट्यूब के अंदर भी यूट्रस की तरह ही 3 layers प्रेजेंट होती हैं. द यूट्रेन ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ सेम 3 layers ऑफ यूट्रस. जैसे यूट्रस की लेयर्स होती है वैसे ही लेयर्स यूट्रेन ट्यूब्स के अंदर भी होती हैं. ये बिल्कुल यूट्रस से अटैच रहती है और जैसे लेयर्स हमारी यूट्रस के अंदर होती है वैसे ही 3 layers इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है. कल वाली वीडियो में हमने यूट्रस कंप्लीट किया था तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, यूट्रस के हमारे कौन कौन से लेयर है वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर जो लेयर होती है इनकी, जो यहाँ पे क्या फालोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है? पेरिटोनियम से. और जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल से, और जो इनर लेयर है वो किससे बनी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसके अंदर सीलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद अगर हम इसके पार्ट्स देखते हैं, जो यूट्राइन ट्यूब है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पार्ट शो कर रखे हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्या इस्थमस, क्या है इस्थमस, उसके बाद एम्फूला, और उसके बाद इनफंडिबुलम, यानी कि जो हमारी फालोपियन ट्यूब होती है या फिर ओविडक्ट या फिर यूट्राइन ट्यूब होती है उसके 3 parts होते हैं. 3 parts कौन कौन से? इस्थमस, एम्फूला एंड इनफंडिबुलम. इस्थमस यूट्रस के बिल्कुल नज़दीक होता है, उसके बाद जो मिडल पार्ट होता है वो एम्फूला होता है, और उसके बाद लास्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम, जिसके बाद में क्या है फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो यहाँ आपको करवाती हूँ इसके अंदर क्या होते हैं, इसके 3 parts, इस्थमस,
एम्फुला एंड इन्फंडिबुलम जो स्टेमस होता है, यानी कि जो हमारे यूट्रस के नियर बाई पार्ट होता है, वो क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर आउटर एंगल ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस होता है उसके, यहाँ पे क्या ये यूट्रस है, यूट्रस के अपर आउटर जो पार्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, उस जगह पे ये प्रेजेंट होता है। देखो ये वाला इतना हिस्सा क्या होता है, स्टेमस का होता है, ठीक है। इसके बाद है एम्फुला। एम्फुला जो होता है वो क्या होता है, मिडल पोर्शन होता है, यानी कि इसका मिडल पॉइंट होता है, ये इन्फंडिबुलम और स्टेमस के बीच का पार्ट होता है, मिडल पोर्शन ये होता है। उसके बाद है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम इट इज फनल शेप। कैसे शेप होती है इसकी, फनल शेप और टर्मिनल पोर्शन ऑफ ट्यूब होता है। फनल शेप कैसे होती है, एक तरह से यानी कि जैसे ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, फनल होती है, ठीक है। तो ये भी क्या, एक तरह से फनल शेप का ऑर्गन होती है, ठीक है। और ये जो हमारी ये फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसका लास्ट पार्ट होती है, क्या होता है, उसके लास्ट पार्ट होती है, उसके बाद में फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होती है। देखो इट इज फनल शेप, फनल शेप होता है, टर्मिनल पोर्शन यानी कि लास्ट पोर्शन होता है ट्यूब का। द इन्फंडिबुलम एंड्स इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रियाई। जो इन्फंडिबुलम होता है वो लास्ट, उसके लास्ट में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारे क्या फिंगर्स होती हैं, उंगलियां होती हैं, जैसे बिल्कुल उसी तरह का प्रोजेक्शन वहाँ पे बनाती हैं जैसे उंगलियां होते हैं। और ये फिंगर्स क्या करते हैं, जो ओवरी होती है वहाँ से ओम को लेने में हेल्प करती हैं। फिम्ब्रियाई क्या करते हैं, वहाँ से ओम को लेने में हेल्प करती है। फिम्ब्रियाई यहाँ पे ओवरीज से अटैच रहती है, जो कि क्या, जब ये ओम यहाँ से रिलीज होता है तो उस ओम को अपने अंदर ले लेती है और पूरी पूरी ट्यूब के अंदर से फिर क्या उसको बाहर पास करवाती है यूट्रस के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिम्ब्रियाई है वो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जो कि इसका बिल्कुल ही लास्ट पार्ट होता है। वैसे हमारा पार्ट क्या है, सिर्फ इन्फंडिबुलम होता है, फिम्ब्रियाई क्या हमारे ओवरीज से अटैच रहते हैं, जो कि क्या ओम को वहाँ से रिलीज करवाने में हेल्प करती है और हमारी ट्यूब तक ओम को पहुँचाती हैं। उसके बाद है ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। जो भी हमारे क्या फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई कैसे होती है, लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है और नर्व सप्लाई कैसे होती है, वो भी सेम एज यूट्रस ही होती है। जैसे जैसे यूट्रस के अंदर सप्लाई होती है वैसे ही फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी सप्लाई होती है। अगर हम आर्टरियल सप्लाई देखते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा यूट्राइन ट्यूब्स के तक कैसे पहुंचता है वहाँ पे, ठीक है, वो हमारे यूट्रियन आर्टरीज से पहुंचता है। जैसे जैसे कि हमारे यूट्रस की सप्लाई होती है वैसे ही उन्हीं आर्टरीज से हमारी यूट्रियन ट्यूब्स की भी सप्लाई होती है। और वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है, यूट्रियन वेन्स के अंदर ही, ठीक है। आर्टरी सप्लाई किससे होती है, यूट्रियन आर्टरीज से। और जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर आके मिक्स होता है, फिर बाद में यूट्रियन वेन्स के अंदर। उसके बाद है लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज कहाँ पे होता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर। कहाँ पे होता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर। लिम्फ वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो यूट्रियन ट्यूब के सराउंडिंग हैं उन्हीं के अंदर लिम्फ ड्रेनेज होता है। उसके बाद जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई भी जैसे यूट्रस में होती है उसी तरीके से यहाँ पे नर्व सप्लाई होती है। यहाँ पे जो सैक्रल एंड लंबर आउटफ्लो है उनके द्वारा यूट्रेन ट्यूब्स की नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद है यूट्रेन ट्यूब्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसको कुछ फंक्शन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में यूट्रेन ट्यूब्स का काम क्या होता है, द एंड पोर्शन ऑफ ट्यूब इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ओवरीज। जो इसका एंड पोर्शन होता है, क्या होता है, जो इसका एंड पोर्शन होता है, देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्या, ये वाला पोर्शन किससे क्लोज है, बिल्कुल ओवरी के कॉन्टैक्ट में है। देखो एंड पोर्शन है ये वाला फिम्ब्रियाई और इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के बाद में क्या है, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई किसके अटैच, किसके कॉन्टैक्ट में है, ओवरीज के अंदर, ओवरीज के कॉन्टैक्ट में, ठीक है। द एंड पोर्शन ऑफ ट्यूब इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ओवरीज, सो इट एक्ट्स एज ए पैसेज वे फॉर द ओवम। और इस तरह से ये क्या है, बिल्कुल उसके क्लोजली कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो यहाँ पे फिम्ब्रियाई होती है और यहाँ से जब भी ओवम रिलीज होता है तो वो क्या है, ओम को रिलीज करवाने में हेल्प करती है। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर शो कर रखा है कि यहाँ पे क्या ओवरी है और यहाँ पे फिम्ब्रियाई प्रेजेंट है, ठीक है। ये फिम्ब्रियाई क्या करेंगे, जब भी यहाँ से ओम रिलीज होता है तो वो क्या अपने अंदर से, देखो यहाँ पे मैंने ओम रिलीज करते हुए दिखा रखा है, तो वो ओम क्या पहले यहाँ से, फिर उसका जो जगह है वो, उसका प्लेस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी ओम रिलीज होता है तो वो इस वे से वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद है एक फर्स्ट तो क्या हो गया इसका फंक्शन, यानी कि जो ओम रिलीज होता है उसके लिए पैसेज वे प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेकंड क्या, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओम एंड दैट इज ओम मीट्स द सप्रम इन यूट्रेन ट्यूब्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रोथ अकर इन द यूट्रस। यानी कि जब भी यहाँ से, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है इस एरिया से क्या पेनिस आता है, यहाँ पे सपर्म्स को इजैकुलेट करता है। इजैकुलेशन के बाद ये सपर्म
हम फैलोपियन ट्यूब्स की साइड ग्रो करते हैं, यानी कि ओम की साइड ये ग्रो करते हैं एक तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी क्या करेगी, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, स्टिमुलेशन अकर होते हैं, तो उस टाइम पे ओवरी से भी क्या ओम रिलीज होता है, जो मैच्योर ओम होता है वो क्या रिलीज होता है। और यहाँ से जब ओम रिलीज होता है तो उसके बाद क्या है, जो फैलोपियन ट्यूब्स है यहाँ पे क्या हमारे जो भी मेल बॉडी से स्पर्म आए हैं वो यहाँ पे इस एरिया में आके मिलते हैं, ठीक है। ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अकर होता है इस जगह में। फिर क्या, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या है, धीरे धीरे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, और धीरे धीरे क्या, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या विद इन वन वीक, टू थ्री फोर डेज के बाद क्या, वो फिर क्या जो भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, जायगोट बनता है। जायगोट की फॉर्मेशन होने के बाद उसके बाद क्या, यूट्रस की साइड में, यूट्रस की साइड में उस जो भी वो जायगोट बना उसको यूट्रस की साइड में आगे पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं, और यूट्रस के अंदर फिर जो भी बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको यूट्रस के अंदर डेवलप करते हैं, वहीं पे उसकी ग्रोथ होती है। तो ये थे हमारे क्या है, यूट्रिन ट्यूब्स के फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन तो क्या है, ओम को वहाँ पे पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं, ओवरी से कॉन्टैक्ट में है, क्लोज कॉन्टैक्ट है वहाँ पे, तो क्लोज कॉन्टैक्ट होने की वजह से उसको क्या है, पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहाँ पे होता है, ओवेरियन ट्यूब्स के अंदर है, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, या फिर उसको हम ओविडक्ट्स के अंदर बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अक्कर होता है, जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है, वुमेन कोई प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अक्कर होता है, सबसे पहले वो होता है यूट्रिन ट्यूब्स के अंदर। जब भी क्या ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो वो कहाँ पे मिलते हैं, यूट्रिन ट्यूब के अंदर। और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन अक्कर होने के बाद उसके बाद जो बच्चा होता है वो कहाँ पे ग्रोथ करता है, यूट्रस के अंदर, वहाँ पे वो जो यूट्रिन कैविटी होती है वहाँ पे फिर वो ग्रो करता है। और उसके बाद 9 मंथ, यानी कि जो भी उसका डिलीवरी का टाइम होता है, प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जब भी क्या डिलीवरी होनी होती है, फिर इसी एरिया से जो बच्चा वो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आता है।